हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गुरुवार का दिन है, या तो गुरुवार को या फिर शुक्रवार को किसी एक दिन आपको कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ते हुए नजर आते हैं हम लोग की मदद करने के लिए। राजेश जी, ऐसा कैसे ये थर्सडे फ्राइडे को चुना है आपने? मंडे ट्यूसडे आपके कान में काम में मन नहीं लगता क्या? नहीं, क्या होता है, गुड आफ्टरनून आशीष जी, क्या होता है कि हम दोनों ही सिनेमा प्रेमी हैं, तो थर्सडे फ्राइडे वीकेंड सिनेमा सीरीज ये सारी चीजें थोड़ा मेल खाती हैं, इसलिए मजा आता है आपके साथ। तो फिर हर फ्राइडे क्यों नहीं, कभी थर्सडे क्यों, कभी फ्राइडे क्यों? कभी कभी पिक्चर थर्सडे पे रिलीज हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, पूरी तैयारी है राजेश सर के पास, सारे जवाब है। हम लोग बहुत मैच कर रहे हैं आज। राजेश सर, आपने नोटिस करा क्या? यहाँ देख रहा हूँ, आप भी गुलाबी गुलाबी में हो। हाँ, हम लोग चलिए सास बहू सेंसेस की शुरुआत कर रहा हूं। कुछ ही देर में राजेश सर से क्वेरी सॉल्व करवाएंगे। पहले मार्केट रख देता हूं क्विकली स्क्रीन पर। 1/3% मजबूती के साथ निफ्टी है, और पिछले कुछ मिनटों में मेरे ख्याल जब हम ब्रेक में थे एकदम से तेजी पकड़ ली, तूल पकड़ ली, और एज वी स्पीक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जरते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरह से एकदम से ये पिकअप हुआ है पिछले कुछ, मेरे ख्याल से ब्रेक के ट्रांजिशन में ही इस तरह का मूव आ गया है। हमने कल 130 के लेवल छुए थे और इस समय उस कल के इंटरडे हाईज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो जो जो लेवल उछाल दिखा रहे हैं नए उच्चतम स्तर बनते चले जा रहे हैं भारतीय बाजार। यह है निफ्टी का जोश, निफ्टी का मोमेंटम। आज ग्लोबल मूड बिगड़ा हुआ था, एशियन पीयर्स पेन में थे, यूएस से हैंडओवर थका हुआ था, कंसर्निंग था। उन सब के बावजूद, एक फ्लैट ओपनिंग के बावजूद देखिए नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जोड़ रहे हैं। इस तरह का मोमेंटम है भाई साहब। और इस समय जो स्टॉक्स हरकत में आए हैं, कुछ इंटरडे चार्ट दिखाता हूं। अदानी पोर्ट्स का इंटरडे उठाइएगा, हालांकि फ्लैट नजर आएगा आपको, देखिए लेकिन कहां डीप इन रेड से एकदम से अदानी पोर्ट्स में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट, ये देखिए। लाइए स्क्रीन पे ITC, हैवी वेट है, बढ़िया मूव, 2% के उछाल के साथ ITC अब इस समय ट्रेड करता हुआ। ITC क्विकली स्टॉक मूव करिए। अच्छा, फायर किया। ITC के साथ HUL रखिए, ये FMCG हैवीवेट्स मदद कर रहे हैं इस समय भारतीय बाजारों की। भारतीय एयरटेल को लेकर आइएगा, हालांकि कहने के लिए 1/3% उछाल है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में ही लाजली अच्छा लोअर लेवल से रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में आती हुई। ब्रिटानिया FMCG हाईलाइट है, अपन ने ITC HUL देखा था, लाइए ब्रिटानिया को स्क्रीन पे। यह है सेक्टोरल जर्नी, कल किसी आईटी में किसी इंफोसिस ने रिकॉर्ड लगवा दिए, आज किसी FMCG में HUL और खासतौर पे ITC मदद करते हुए, गजब सेक्टोरल चर्निंग। कोई ना कोई पॉकेट आई जाती है मदद करने के लिए। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी। एक इश्यू है अभी भी, ये लार्जली लार्ज कैप्स का गेम है भाई साहब, ब्रेथ खासी कमजोर है, 1:2 या इवन कहिए 1:2.5 का रेशियो है, और इस बार डिक्लाइंस के फेवर में है। दो बढ़ रहे हैं तो 4 से 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो लार्जली लार्ज कैप्स, निफ्टी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स निफ्टी को तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर ले जा रहे हैं, पर ब्रॉडर मार्केट्स उतना मजा उत्साह नहीं दे। तो आज स्क्रीन वैसे अच्छी नहीं है, ये फैक्ट है, कोई निफ्टी चल गया बात अलग है, अब तक तो वो मजा नहीं आ रहा स्क्रीन को देख के। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, और राजेश सर से सवाल जवाब के साथ साथ SBS स्टॉक पिक भी लेंगे। पिछली बार राजेश सर जुड़े थे, मुझे याद पड़ता है जब हम दोनों थे तब मैं भूल गया था लेना राजेश सर से। राजेश सर याद है आपको, मैं भूल गया था शायद। जी बिल्कुल, वो समय की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। नहीं, आज तो आज राइट फ्रॉम द वर्ड गो शुरू। डायरेक्टर साहब कौन कौन जुड़ गया दिखाइए। झारखंड जाना है, भोपाल जाना है, और डोंबिवली तो मुंबई की फेरी, लेकिन डोंबिवली से अभी लिंक एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। लीजिए, झारखंड और भोपाल से हो गया है तो झारखंड चला जाए, और संगीता राठौड़ मैम के पास। संगीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। संगीता मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप, कितना टाइम हो गया? सर बेसिकली हम तो 2019 से। 5 साल 6 साल 5 साल पकड़ लेते हैं। कैसा रहा ये 5 साल का सफर संगीता मैम? सर अच्छा रहा सर। ये अभी आप ऑफिस में बैठे हो क्या? जी
अरे वाह, ये ऑफिस क्या करता है? लोन वोन देने का मन? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक है सर। कोऑपरेटिव बैंक झारखंड में, ओके। और सेविंग्स को आप स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर चुके हो पिछले 4-5 साल से? जी। संगीता मैम, स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो आप? सर, स्टॉक तो हम गूगल पे सर्च करके उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। मतलब गूगल पे क्या सर्च करते हो? कोई कंपनी पसंद आती है तो उसके बारे में पढ़ते हो गूगल पे, या गूगल पे सर्च कैसे करते हो, क्या करते हो? पढ़ते हैं गूगल पे, जैसे एक बार हम सब्सक्राइब किए तो सारा स्टॉक कुछ कुछ आते ही रहता है, तो उसको पूरा हम उसको डीपली पढ़ते हैं, उसके बाद लेते हैं सर। अच्छा, अपनी खुद की रिसर्च करते हो, पढ़ते लिखते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो स्टॉक में पैसा लगाना नहीं लगाना है। ठीक बात है। कुछ बैंक वैंक लिए क्या आपने? आपकी तो बैंक्स में मजबूत पकड़ होगी, कोई बैंक लिया क्या पोर्टफोलियो में? सर, बैंक तो बहुत पहले जब ये ऑनलाइन नहीं था तभी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया था 85 के रेट पे। अच्छा, एक बात बताओ, ये बैंक वैंक के पास आप लोग के पास डिपॉजिट डिपॉजिट आ नहीं रहे क्या आजकल? सर ऐसी नहीं, डिपॉजिट तो आ ही रही, बट कम हुआ क्या? कम हुआ क्या? आना आदमी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में ज्यादा अवेयर हो गया है पहले तो पहले से कम पैसा आ रहा है डिपॉजिट, ऐसा हो रहा है क्या? सर बहुत हो रहा है। हो रहा है सही में? जी जी सही में हो रहा है। अच्छा संगीता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास आलोक इंडस्ट्री है, ये 1550 है, 42.96 रुपए के रेट पे, तो क्या इसको होल्ड करें? इसका 52.39 गया था सर। राजेश सर क्या करें भाई, 42-43 ही खरीद, 27 पे चल रहा आलोक इंडस्ट्रीज, बड़ा नुकसान हो रहा है हमको। पहले तो नमस्कार इनको। आलोक इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो एक ही चीज पॉजिटिव है इसमें कि ये रिलायंस ग्रुप को बिलोंग करती है, अदरवाइज आप देखो तो परफॉर्मेंस लगातार खराब रही है। पहली तिमाही में भी टॉप लाइन जो है 29% के आसपास गिर के रही, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी भी लॉस में है। रिलायंस ने करीब 3,300 करोड़ रुपए अभी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, प्रमोटर के पास करीब रिलायंस जो कि 40% इक्विटी होल्ड करता है। अब अगर आप देखो तो पूरे साल का लॉस 200 करोड़ रुपए है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में खुदरा निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बेहतर यह होगा कि आप निकल जाएं अभी, नहीं तो थोड़ा कहीं भी उछाल मिले निकल जाएं बेहतर होगा। और आइंदा से भी मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स देख करके निवेश करें। चलिए, झारखंड, झारखंड में कहां से हो मैम आप? झारखंड जमशेदपुर से सर। जमशेदपुर से ना सर? मैं आऊंगा पहले भोपाल हुआ हूं एक बार, फिर आता हूं आपके पास लौट के। भोपाल से ओम साहू मैम जुड़ती हुई। ओम मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ओम मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, क्या करते हो भोपाल में मैम? सर मैं स्टॉक मार्केट में 2021 से हूँ सर। 2021 से, कोविड के बाद से आए? जी सर। तो ये 3 साल का सफर तो बहुत बढ़िया रहा होगा कोविड के बाद। सर मैं जब लास्ट टाइम हाई बनाया था 18,000 तब एंट्री किया था, तब एक साल तो अच्छा नहीं रहा बट अभी पिछले साल से अच्छा रहा। चलिए, ये भोपाल इतना ही खूबसूरत है जितना तस्वीरों में दिख रहा है? जी सर बहुत अच्छा, आइएगा कभी। ट्राई करूंगा कभी ना कभी आने की। जी सर। ओम मैम, पहला सवाल आपका। जी सर। सर हिमाद्री केमिकल है मेरे पास, 59 के भाव से 192 से है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 59 के भाव से? जी सर। 59, अरे वाह, ये तो 460 रुपए का मुनाफा हो रहा है पर शेयर। जी सर। और क्वांटिटी भी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 200 शेयर्स। क्या पूछूं, मुनाफा बांधना है बने रहना है ऐसा पूछूं क्या? जी सर यही पूछूं। अब तक कोई भी प्रॉफिट बुक करा है स्टॉक में, या जितना लिया था तब से उतना ही है? नहीं सर, मैं इतना ही है सर, 192 है, प्रॉफिट बुक नहीं किया है अभी मैंने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अभी भी मोमेंटम रुका नहीं, अब तो मोमेंटम और ऐसा लग रहा है पकड़े ही चले जा रहा है। खैर राजेश सर, हिमाद्री स्पेशलिटी मेरी 59 की एक्विजिशन प्राइस है और खड़ा हुआ है 500-550 के जोन्स पे, क्या करना चाहिए? कुछ बुक करके अपना कैपिटल बाहर निकाल लूं सिस्टम से, बाकियों को राइड करूं, या सारा बुक कर लूं? आपका व्यू क्या होगा हिमाद्री को लेकर? देखिए सर, बने रहने की सलाह रहेगी और गिरावट में ऐड करने की सलाह रहेगी। कंपनी जो कि कार्बन ब्लैक और कोल तार में है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर ली है,
एनसीईआरटी से इन्होंने बिरला टायर लिया जो कि रैंप अप हो जाएगी कैपेसिटी, तो ईवी टायर्स में जाने की बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसे केमिकल प्लांट भी लिथियम मायन वगैरह के कैथोड के बनाए हैं जो कि ईवी के में बैटरीज में यूज होंगे। कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है, कैश सरप्लस है कंपनी में, जो कि आगे आने वाले दिनों में केपिक्स वगैरह में भी इन्हें फायदा देगा। मुझे लगता है इस वक्त इन्हें बने रहना चाहिए। बने रहिए भाई, कुछ भोपाल वाले तो चलो बढ़िया पैसा बना रहे हैं। संगीता मैम अगला सवाल। सर रिलायंस पावर है मेरे पास में 11 रुपए के रेट पे, और ये मैंने लिया था 10,000 था, बट मैंने कुछ उसका प्रॉफिट बुक कर लिया और अभी होल्ड में है अप्रोक्स 3,000 से है, तो क्या करे सर? रिलायंस पावर 11, ये तो ठीक है, ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? अलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, कोई बता रहा है आपको या आप वाकई ढूंढते ढूंढते इन पे पहुंच जा रहे हो? कैसे पहुंच रहे हो? ये रिलायंस पावर आईपीओ के समय कुछ लिया हुआ था, फिर उस समय निकल गए थे, फिर बाद में जब ये लॉकडाउन में 4 रुपए चल रहा था तभी से मैंने उसको लेना शुरू किया था, उसमें बहुत बार सेल परचेज किया, लास्ट में होल्ड कर दिया 10,000 शेयर 11 रुपए के रेट पे। बढ़िया है, 4 रुपए पे, बस 4 रुपए चल रहे थे इसलिए ले लिया था ये, और कोई रीजन नहीं था? बहुत पिट गया था, 4 रुपए पे आ गए थे, ले लेते हैं कहीं ना कहीं ना ऊपर जाएगा ऐसा? नहीं, 4 में लेके 8 में बेचा, फिर 8 में लेके ऐसे किया सर, इसमें बहुत बार सेल परचेस किया, लास्ट में बचा कुचा जो है वो 3,000 शेयर्स है, 11 की खरीद है लास्ट वाला, है ना, उसको रख लिया। अभी ये होल्ड में रह गया, मैंने खरीदा था 11 के। अच्छा वो रह गया, दिक्कत क्या है? 20 रुपए मुनाफा हो रहा है 11 रुपए की प्राइस पे। सर यार 30 रुपए हो गए भाई, क्या करना है रिलायंस पावर पे? देखिए क्या ही कहूं, मैंने जैसे कहा कि आप थोड़े फंडामेंटल्स चेक करके लिया करें, ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है, लगातार नुकसान करती आ रही है, हालांकि इस तिमाही में लॉस थोड़े कम हुए थे और ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि अदानी पावर इनके नागपुर वाले प्लांट को लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, बट वो मीडिया की रिपोर्ट्स थी, ऐसी कोई आधिकारिक न्यूज नहीं आई है। क्वार्टरली इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो 500 करोड़ के आसपास का कंपनी का है, प्रमोटर की होल्डिंग 23% के आसपास है, फंडामेंटली कहीं भी ठीक नहीं बैठ रही है। मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहूंगा, फंडामेंटल्स चेक करके ही निवेश किया करें, ये आपकी तकदीर ही कही जा सकती है कि इस वक्त आप मुनाफे में बैठी है, पूरा नहीं तो आधा बिल्कुल बेच दें। ओम मैम, ये भोपाल में कर रहे तो आप? सर साकेत नगर। ओम मैम अगला सवाल कौन सा? आज सर मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेस है, 1225 के भाव से 331 शेयर। अडानी एंटरप्राइजेस जी सर, डायरेक्टर आप स्क्रीन पे 1225 पे के भाव से 331 शेयर। गजब है यार, ये आइडियाज कहाँ से आए? हिमाद्री 40-50 पे उठाना, अडानी 1200 पे लेना, ये आइडिया किसने दिया था? सर मेरे हस्बैंड एनालिसिस करते हैं सर। गजब एनालिसिस करते हैं वो जी सर। तो फिर हमसे हमारी मदद की जरूरत क्या है? हस्बैंड ने क्या बोला अभी? मुनाफा बांधना है कि रखे रहे? हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, मुनाफा बांधना है कि रखे रहना है? सर हम अभी अडानी क्लीन चिट का वेट कर रहे हैं, जैसे क्लीन चिट आएगा थोड़ा प्रॉफिट और आएगा, फिर हम अपना मुनाफा वसूल कर लेंगे। हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट आ जाए और चलेगा जी सर। वैसे सिर्फ ये रीजन नहीं, वैसे अडानी तो अब मैं वो तो राय सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन काफी एम्बेडेड वैल्यू है इसमें। अडानी इंटरप्राइजेस राजेश सर, हस्बैंड और मैम ने मिलकर 1225 पे ले लिया है, क्या करना है? देखिए बने रहे स्टॉक में, हिडन मक्की जो आएगी सो आएगी, वो तो वक्त बताएगा क्या आएगा नहीं आएगा, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है, और अभी आज ही कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि शायद ये लोग अपना एयरपोर्ट बिजनेस डीमर्ज करेंगे, तो ऐसा कुछ होता है कॉर्पोरेट एक्शन तो एक और ट्रिगर होगा। वैसे भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे इन्हें बने रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट छोटी से मध्यम अवधि में मुझे लगता है 3500-3600 तक ये स्टॉक जा सकता है, वहां तक बनी रहे। अच्छा इससे पहले समय खत्म हो, राजेश सर का SBS स्टॉक पिक, डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए जरा। राजेश सर कौन सा बढ़िया वाला फंडामेंटल आइडिया लेकर आए हमारे लिए? देखिए बजाज फिनसर्व देना चाहूंगा, एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, फिर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लैंडिंग सारी चीजों में है,
52.65% बजाज फाइनेंस पे होल्ड करती है, उसके अलावा 74% ये जनरल और लाइफ इंश्योरेंस में होल्ड करती है, बीएमसी के कारोबार में भी आ गए। इन सब के अलावा इनके खुद की जो एनआईएम्स है वो अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि बाजार इतने हाईस पे है और ये अभी भी अपने लेवल ऊपर के लेवल से करेक्ट कर चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ बहुत कम्फर्ट आता है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बजाज फिनसर्व, ये है आज का बढ़िया सा फंडामेंटल बाय आइडिया। संगीता मैम, ओम मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। झारखंड तो है ही ब्यूटीफुल, भोपाल भी आपका बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है फोटोज में। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया तरीके से मेरे को एमपी सर का, एमपी टूरिज्म को मुझको वो देना चाहिए, क्या कहते हैं राजेश सर, क्या कहते हैं, रॉयल्टी टाइप, इतनी तारीफ कर देता हूँ मैं वहाँ की। मैं राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हम सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ओम मैम, आप गैस कर रही होगी तो मैं एक्चुअली भोपाल के रहने वाला हूँ। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो मार्केट्स का एक क्विक रैप अप। का स्वागत है, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर अपनी जगह। निफ्टी अभी भी 110 पॉइंट मजबूत, पर स्क्रीन अच्छी नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ब्रेथ थोड़ी अलग तस्वीर बयां कर रही है, तो लार्ज कैप्स ड्राइव कर रहे हैं मार्केट्स को, इंडेक्स मैनेज हो रहा है। ये देखिए ब्रेथ बहुत डिटोरिएटिंग। ऐसे में इसी ब्रॉडर मार्केट्स पे, मिड कैप यूनिवर्स पे सुमित के साथ एक बढ़िया सी प्रोग्रामिंग। ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र आज के सास बहू और सेंसेक्स में। इतना ही, नमस्कार।